अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़ैनब और मोमिन बैठे हैं अपने मामू के इंतज़ार में। मामू गाड़ी निकाल रहे हैं। जी हाँ, आज ये जा रहे हैं अपनी खाला के घर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का ये सफ़र इनका गुज़रता है। चलिए चलते हैं। जी ज़ैनब अपने मामू के साथ कज़न्स खाला से मिलने जा रही है। अपने नानों के साथ मोमिन ज़ैनब फातिमा जा रही है अपनी नानों के साथ। ज़ैनब तो पहुंच गई है अपनी खाला के घर और वो खाला जो है वो ज़ैनब को देख रही है और वो खुश हो रही है और मोमिन भी इंजॉय कर रहा है और दोनों बेबीज़ मोम ज़ैन खाला के घर आके बहुत एक्साइटेड हैं। मोमिन की तो शरारतें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा। जी हाँ, ये देखिए मोमिन जो है वो पूरे घर में दौड़ रहा है और सबको उसने तंग किया हुआ है और कोई चीज़ अपनी जगह उसने सलामत नहीं छोड़ी और वो हर चीज़ को छेड़ रहा है। मोमिन अब बैक स्केटिंग कर रहा है। ये देखें जी, बैक की तरफ जा रहा है और अपनी शरारतें उसकी अरूज पर हैं और ज़ैनब जो है वो दूसरे रूम में अपनी शरारतें कर रही है। मोमिन इधर आओ, मोमिन इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मोमिन सोचा कि मैं मामू के घर और खाला के घर आ गया हूँ तो मैं झूले पे क्यों ना बैठूं। तो वो झूले पे बैठते ही उसको नींद आने लग गई और ये उसके मामू फिर रहे हैं और खालास और मामू जो हैं वो मोमिन के आसपास फिर रहे हैं और ये मोमिन की फेवरेट खाला आ गई है, मोमिन के पास बैठ गई है और ये मोमिन को शूज़ पहनाएगी।
क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों डांट रही हो? वो देखो खाला आ गई है। जैनब और मोमिन के फुलाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हेलो कर रहे हैं मोमिन। हेलो मोमिन।